जहां एक और कोरोना वायरस महामारी लगातार देश और यूटी जम्मू कश्मीर में फैलती जा रही है, वहीं जिला डोडा का प्रशासन और लोग शायद ये समझ बैठे हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। इसका जीता जागता उदाहरण है जीएमसी डोडा। आप जीएमसी डोडा का नजारा ही देख लीजिए। बड़े जोरों शोरों से लगाई गई सैनिटाइजेशन टनल काम नहीं कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई भी पालन करता नजर नहीं आ रहा है। वहीं साफ सफाई खुदा के हवाले कर दी गई है। यहाँ गंदगी इतनी है कि लोग कोविड 19 महामारी से नहीं बल्कि दूसरी किसी बीमारी या इन्फेक्शन से मर जाएंगे। आदाब नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं दर्द न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बताते चलें, जिस तरीके से कोविड पेंडामेटिक जो है पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, उसके चलते अगर हम कहीं ना कहीं बात करें किस तरीके से जो केसेस का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है, और अगर हम बात करें एसओपी की गाइडलाइन की, तो एसओपी की जो गाइडलाइन है उनको अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एसओपी की गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। बात अगर करें तो ठीक इस टाइम हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने हैं। यहाँ पर आने का हमारा एक ही मकसद था। आज हमारी अर्थ ने उसकी टीम ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में विज़िट किया। आपको बताते चलें किस तरीके से यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन जो है वो टनल लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, जूम करके दिखाया जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा डिकोमिनेशन एंड सैनिटाइजेशन टनल, ये टनल लोगों के लिए लगाया गया हुआ है ताकि जो भी लोग यहाँ से अंदर की तरफ हॉस्पिटल की तरफ आए उनको सैनिटाइज होकर जाएं, या जो अंदर से हॉस्टल से जो है वो बाहर आएं वो भी सैनिटाइज करके जो है बाहर आए। मगर आपको हम विजुअल्स में दिखाएंगे किस तरीके से इस सैनिटाइजेशन टनल का जो है वो यूज़ नहीं किया जा रहा है। ये एक सैनिटाइजेशन टनल जो है एक खोखला बन के रह चुका है, एक शोपीस बन के रह चुका है, ताकि सारे लोगों को पता चले कि मेडिकल कॉलेज में जी सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया हुआ है। मगर अगर ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो ये टनल जो है मेडिकल कॉलेज के लिए खोखला साबित हो चुका है। दूर दराज पहाड़ी इलाका है हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट, दूर दूर तक जो है गांव है, यहां पर उन गांवों से लोग मेडिकल कॉलेज में आते हैं। आपको ये भी बता दें जिस तरीके से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज रखा गया हुआ है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मगर आप देख सकते हैं कि ये जो सैनिटाइजेशन टनल है ये बेकार साबित हो चुका है। किसी भी तरीके से लोगों को इसकी कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही है। आपको हम विजुअल्स में भी दिखाएंगे किस तरीके से हमने यहाँ पर सारा जो है विजुअल्स लिए हुए हैं, किस तरीके से लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। उनमें से कुछ जो हमारे हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, वो भी बाहर आ रहे हैं, मगर वो भी बिना सैनिटाइजेशन के जो है बाहर आ रहे हैं। इस महामारी में रात दिन एक होकर सारे एकजुट होकर इस लड़ाई से लड़ रहे हैं, और बार बार गाइडलाइन दी जाती है सोशल डिस्टेंसिंग की, बार बार गाइडलाइन दी जाती है हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए, बार बार गाइडलाइन दी जाती है। मगर आपने खुद देखा कि सिर्फ गाइडलाइनें आ रही हैं, पालन कहीं तक नहीं हो रहा है। अगर हम सुपरिटेंडेंट की बात करें तो सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं इस टाइम वो चैन की नींद सोए हुए हैं, अंदर अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं। बाहर आके नहीं देख रहे हैं कि जनता जो है वो किस परेशानी से गुजर रही है। जनता क्या ठीक है, क्या जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या जो उनके पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो यहाँ पर ड्यूटीज़ दे रहे हैं रात दिन होकर, क्या उनके लिए कोई सेफ्टी है? नहीं, वो तब जागेंगे जब यहाँ पे कोरोना जो है बढ़ता ही जाएगा और इस सैनिटाइजेशन टनल को उस वक्त 10 मिनट के लिए और यूज़ किया जाएगा। मगर अभी आप देख सकते हैं बेकार टनल जो है यहाँ पर साबित हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पे जल्दी कोई अच्छा स्टेप लेगी और सुप्रीम साहिब भी जो है वो जाग जाएंगे जल्द से जल्द, ताकि जो यहाँ की जनता है उनको कोई तकलीफ़ ना हो, जो यहाँ की जनता दूर दराज इलाकों से इस हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो रही है उनके लिए जो है सेफ्टी बने ये टनल, और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो रात दिन एक कर रहे हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो रात दिन एक कर रहे हैं, ताकि उनके लिए कहीं ना कहीं जो है ये साबित हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ बाकी सब अपडेट के लिए, और देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त।